नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ रूही। चले शुरुआत करते हैं सुबह की ताजा हेडलाइंस के साथ। प्रदेश भर में आज कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाते हुए किसान संगठनों ने राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाने का किया फैसला। आज चंडीगढ़ कूच करेंगे 32 किसान संगठन, प्रशासन हुआ सतर्क, आने जाने के 13 रास्ते किए बंद। हरियाणा में कार्यकारी डीजीपी की अब नहीं होगी नियुक्ति, स्थायी डीजीपी लगाने की तैयारी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि नया नाम तय होने तक पुलिस महानिदेशक मनोज यादव बने रहेंगे पद पर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को दी बड़ी राहत। HSSC के जरिए भरे जाने वाले 22,000 पदों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब नहीं होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर बिना पिछली व्यवस्था से होंगी भर्तियां। पानीपत शहर में जो 48 करोड़ की लागत से बने जा रहा डिजिटल वॉर मेमोरियल, इसमें देश के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के साथ पानीपत की तीसरी लड़ाई की योद्धाओं की गाथा भी बताई जाएगी। पानीपत के विकास नगर में सिर्फ नाम का हो रहा विकास। विकास नगर में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से लोग नार के जीवन जीने को मजबूर, बारिश का पानी सड़कों पर हो रहा जमा। घोटालों और भ्रष्टाचार से जूझ रहा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एक बार फिर बड़े घोटालों को लेकर आया सुर्खियों में। 9 प्लॉटों के आउंटर में मिली धांधली, HSVP की लीगल जांच में हुआ खुलासा। समालखा में नवनिर्मित फ्लाईओवर को जोड़ने का कार्य हुआ पूरा, शुक्रवार दोपहर को ही आम जनता के लिए फ्लाईओवर को खोल दिया गया। पानीपत के सिंह एंड स्विंग होटल के सामने GT रोड पर वाहन का इंतजार कर रहे होटल के मैनेजर को कार चालक ने कुचला, मौके पर हुई मौत। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित करने का फॉर्मूला किया जारी, स्कूलों से मांगी जानकारी। लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने से तकरीबन सभी दुकानदारों का काम 50-80% तक हुआ प्रभावित। कोविड की दूसरी लहर का असर कम होते ही निर्यात मांग बढ़ने से कॉरपोरेट उद्योग में आई रौनक, लेकिन सरकार की अनदेखी से उम्मीद बदल रही मायूसी में। सुबह के ताजा अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।